विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 282 उप निर्वाचक 2019 में मतदान के स्वतंत्रता विपक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाए जाने के उद्देश्य में जिला अधिकारी शुभ कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गरवाल, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद चौहान, उप जिला अधिकारी निर्वाचन अधिकारी जय चंद्र पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के रविंद्र कुमार सिंह, अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारी मतदान व्यवस्था में नियुक्त किए जाने के साथ ही आपको बता दें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा उनके समकक्ष पुलिस अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहकर मतदान प्रक्रिया में जायजा लेते हुए तथा मौके पर मौजूद अधिकारी को आवश्यकता दिशा निर्देश देते हुए। इसके अतिरिक्त आपको बताते चलिए कि संयुक्त देवी पटेल मंडल और गोंडा महेंद्र कुमार, DIG डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और तथा भारत निर्वाचक संयोजक की ओर से जनपद के लिए नियुक्त किए जाने के सम्मान्य क्षेत्र का भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया का जायजा लेते हुए। इस मौके पर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने सभी स्थानों के लोगों को अपील की है कि वोट देने के बाद अपने घरों की प्रशंसा करें। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खातिर आज यहां पर मतदान हो रहा है, उसका जायजा लेने के लिए हमारे और DM साहब के द्वारा सुबह से ही यहां पर भ्रमण किया जा रहा है, मतदान केंद्रों पर जाया जा रहा है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। मतदाताओं से भी हम लोगों ने बात की है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, कोई अभी तक समस्या इस तरह की नहीं आई है। क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो अंतर जनपदीय बॉर्डर भी है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है, तो जो बैरियर्स हैं वो भी हमारे द्वारा चेक किए गए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ का वोटर नहीं है या यहाँ से संबंध नहीं रखता है उसके आने जाने पर रोक लगाई गई है। और जो नेपाल के अधिकारी हैं उनसे भी हमारा समन्वय है, वहाँ से भी उधर से भी जो बॉर्डर है वो सील किए गए हैं। जो शांतिप्रिय तरीके से अपना मतदान करना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन जो है सभी सुविधाएं प्राप्त। ये बॉर्डर सील कब तक रहेगा, कब खोला जाएगा? ये बॉर्डर सील जो है ये चुनाव की आज की मतदान की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद जो है आवाजाही खुली। न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस।